तो इसको देखिए, ये पहले से ही इधर पहुंच गई है फोटो खिंचाने के लिए। इसका साउंड हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम सुनाई दे। कैसा लग रहा है गोली तुमका आके यहाँ पे? देखिए बहुत ही खुश है लोग। तो ये सब देखिए, बहुत सारा नक्काशी इस पर किया गया है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। और भी इधर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ना। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, और ये थोड़ी ज़्यादा स्टाइल में चल रही है, मॉर्निंग वॉक कर रही है। मॉर्निंग वॉक बोल रहे इसको, मून वॉक क्या बोलते हैं। खैर कोई वॉक हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। पहले ये देखिए बहुत खूबसूरत है, और पीछे आपको तालाब है, चिल्ला आपको तालाब की तरफ लेके चलते हैं। और ये जो स्मारक है चंद्रादित्य मंदिर है, ये थोड़ा मिट गया है, तो अभी इसका निर्माण कर रहे हैं, चालू है। और ये देखिए कितना पहाड़ों को रख रख के बनाया गया है, पत्थरों को। ये सब हम बनाए हैं। तुम बनाइए। ये बोल रहे कि हम बनाए हैं। और यह कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, और यही मैं जिसके बारे में आपको बोल रहा था, ये खजुराहो का स्टाइल में पूरा बनाया गया है, खजुराहो की याद दिलाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और भी बहुत सारे मूर्ति वगैरह इधर बने हुए हैं। तो ये सब देखिए, इसका नक्काशी कितना खूबसूरत से किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये सब देखिए, बहुत सारा नक्काशी इस पर किया गया है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। और भी इधर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे नक्काशी। ये देखिए काफ़ी बढ़िया इधर बनाया गया है, आप लोग भी आके इधर घूम सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक भगवान है, विष्णु जी शायद लग रहे हैं। ये सीमांचल में शायद यही मंदिर है, कृष्ण जी का, इसी का प्रकार का बनाया गया है। और भी बहुत सारे ऊपर में देखिए नक्काशी किया गया है, और नीचे का भी डिज़ाइन देखिए काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए, और ये मूर्ति का नंबर वगैरह भी इधर लिखा हुआ है, 158 159 इस तरीके के। तो ये सब देखिए काफ़ी बढ़िया है, और इसमें भी शायद एक दो मंदिर मूर्ति फिट किया जाएगा, अभी रखा नहीं गया है, तब धीरे धीरे डाला जाएगा इस पर, मुझे लगता है अभी कुछ काम इसका चालू है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वर्क होता है फिर आगे बहुत कुछ सुधार किया जाएगा। ये देखिए अभी वर्क इसका हो रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में भी चल रहा है अभी। और ये तो साइड में पॉन्ड है। तो आइए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मंदिर है एकदम, काफ़ी नक्काशी इसमें आपको दिख जाएगा। ये पूरा देखिए सैंडस्टोन पर बना हुआ है, बलुई पत्थर है, और अंदर में शंकर जी का मंदिर है। ये देखिए अंदर में शिवलिंग है। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought. और इधर इन्वर्टर वगैरह सब रखा हुआ है इधर। लाइट वगैरह का व्यवस्था है, लेकिन अभी लाइट कटा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम ये मंदिर वगैरह घूम लिए हैं, इधर तालाब है, चंद्रादित्य मंदिर, और इसके बाद हम अभी चलेंगे सात धर। ओ सात धर हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको भैया से चालान कटाना पड़ता है। क्या भैया? किसी का चालान कटाता है, बाइक का। ये बाइक का है, एक बाइक का 20 रुपये है। आदमी तीन आदमी आइए तभी आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, एक आदमी आइए तभी 20 रुपये देना पड़ेगा। ज़्यादा फायदा है तीन आदमी के साथ आइए। लेकिन आगे चेकिंग होता है, पकड़ा जाएगा तो फिर चालान भी आपको कटना पड़ सकता है, तो दो ही आदमी आइए अच्छा रहेगा। तो चले फिर ये नीचे दोस्तों, अभी हम सात धर आ गए हैं, ये हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वैलेंटाइन डे आज चल रहा है, तो हम लोग घूम रही है, देखिए कितनी खुश लग रही है। पहली बार वाटरफॉल आई है घूमने, इसको घुमा देते हैं, मैं भी इधर पहली बार आया हूँ साथ। चलिए नीचे चलते हैं, और ये नीचे से इसका जाने का रास्ता है, तो फटाफट नीचे उतरते हैं और आपको दिखाते हैं ये कितना खूबसूरत है। तो आपको एक छोटा सा व्यू जो हम दिखाते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पे। और ये सात धार है, इसी को सात धार कहा जाता है। पानी अभी कम ही है, और बारिश के मौसम में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है,
फिलहाल बारिश कम है तो अंदर जा सकते हैं, तो बारिश में आने कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि ये पूरा भरा रहेगा तो आप अंदर जा नहीं सकते हैं, तो यही है। चलिए अंदर चलते हैं, बहुत सारे कपल्स वगैरह भी आते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा। और वो एक भैया है जो हमारे साथ आ रहे थे वहाँ, जो मिले थे वही भैया है। तो ये देखिए गुड़िया उतर, आराम से उतरो, गिर मत जाने। नीचे उतरने का रास्ता है, हम लोग इधर से जाएंगे नीचे उतरते हुए उधर की तरफ, और चले फिलहाल चलते हैं नीचे। You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep my face, no way you don't wanna get. Don't try to drain my energy. तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा माहौल है इधर, बहुत ही बढ़िया। कहाँ जा रहे हो उधर पावी? वो देखिए तो जल्दी जल्दी में जा रही है वो उधर पानी की तरफ, तो पहले फटाफट पहले बैग उतार देते। तो इसको देखिए ये पहले से ही इधर पहुँच गई है फोटो खिंचाने के लिए। इसका साउंड हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम सुनाई दे, कैसा लग रहा है गोली तुमको आके यहाँ पे? देखिए बहुत ही खुश है लोग, और ग्लास वगैरह इसको दे देते हैं, चश्मा लो तुम्हारा कभी से आराम से पढ़। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, आपको वहाँ से पानी आता है चलते हुए। इसका साथ डर इसलिए क्योंकि देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ से पानी बहता है, उधर से बहता है, उधर से बहता है, फिर आप उस तरफ से भी तो वो साथ डर दिखेगा आपको सामने से, इसलिए इसका नाम सात धार है। ये यहाँ पानी की धार देखिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पानी की धार इधर आपको दिख रहा है। ये देखिए और ये वीडियो कॉल पे बतिया रही है ये अपने दीदी से घर पे दिखा रही है इसको भी। ये देखिए बहुत ही नीचा है, ये देखिए कितना खूबसूरत है, देखो तो क्या करना चाहती है गोली तुम हमारे दर्शकों को, जितने लोग देख रहे हैं दोस्त लोग, उसको क्या करना चाहती है तुम? अरे पागल नहीं बोलेगी यहाँ पे आप लोग आइए घूमिए कितना अच्छा है, मनोरम स्थल है, ये सब नहीं बोलेगी। लेक्चर देना है ना, भाषण थोड़ा सा देना है, स्पीच इसका कहने का मतलब वही आप लोग समझिए जो मैं बोला हूँ वही इसका मतलब है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और ये नीचे गड्ढा है, इधर पर भी एक धार में गलता है, तो फिलहाल पानी अभी सूख गया है कम है, तो वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और पीछे देखिए बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, देखिए कितना खूबसूरत है बना हुआ। चलो तो दोस्तों अभी हम ये जूता खोल के पानी में डाल दिए पैर को, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखिए, खूब एकदम इंजॉय कर रही है, एकदम ठंडा पानी है, बहुत ही मज़ा लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा पानी में पैर रख लीजिए। जरा उधर नहीं जाना, तो ये देखिए सात धार का ब्रिज पर से कितना खूबसूरत दिखता है, अभी हम लोग ब्रिज पर आ गए हैं ये देखिए, और आइए आपको दिखाते हैं सात धार कहाँ पे है, कहाँ भी है सात धार। एक ये हो गया, एक अच्छा हाँ हाँ वो देखिए, एक देखिए वो धार हो गया, तीन उसके आगे चार पाँच वो देखिए सबसे आगे, अच्छा वो यहाँ से सात धार से निकलते हुए आती है ना, इसलिए सात धार इसका नाम। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको वीडियो में उतना अच्छे से नहीं दिखेगा, सामने आके देखने से बहुत खूबसूरत दिखेगा, और वो कोई पक्षी है जलीय जीव वहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इधर से देखो पहाड़ी सड़क अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग सात धार घूम लिए हैं, अब चलते हैं ऊपर की तरफ, अभी और भी बहुत कुछ घूमना है, लुढ़कती हुई पत्थर है, लुढ़कता हुआ पत्थर है गोला, उसको दिखाएंगे, और भी बहुत कुछ है, गुफा वगैरह है, चलिए वहाँ चलते हैं, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं अब। तो दोस्तों हम लोग सात धार वगैरह घूम लिए हैं, और अब चल रहे हैं लुढ़कती चट्टान, अब चलने वाले हैं वहाँ पे, चलिए आपको दिखाते हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। और आइए बिस्किट खाते हैं और थोड़ा भूख वगैरह भी लग रहा है, चलेंगे कुछ नाश्ता वगैरह भी करेंगे बाहर, फिलहाल बिस्किट वगैरह कुछ खा लेते हैं।
इस भैया से तो पिछले वाले वीडियो में मिले होंगे, हमने फोटो डालेंगे इसका। ये पीछे पीछे हमारे भैया भी है, साथ साथ भी घूम रहे हैं, हम लोग तो साथ में घूम रहे हैं, तो घूमना भी जरूरी है। और हम लोग फिलहाल खाने का जरूर लेके आए यहाँ पे। हाँ हाँ, खाने पीने का। ये भैया हमको, हम लोग बिस्किट खिला रहे हैं, भैया हम लोग को कुरकुरे खिला रहे हैं, चिप्स वगैरह। तो चलिए शेयर कर लेते हैं सब लोग। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। क्या कहना चाहती है तुम? आराम से बोलो। सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे और आप लोग भी आके यहाँ विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।